नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही अब सर्वे भी आना शुरू हो गए हैं। खासतौर से ऑनलाइन हुई राय शुमारी में जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं उनके मुताबिक सूबे के 51% लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पसंद बताया है, तो 34% लोगों की पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तीसरे नंबर पे हैं कमलनाथ। पेश एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने जा रहे आम चुनाव से पहले सर्वे का गणित भी शुरू हो गया है। दैनिक समाचार पत्र भास्कर के ऑनलाइन सर्वे में ये कहा जा रहा है कि 51% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जबकि 34% लोग चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सूबे के मुखिया बने। तीसरे नंबर पर कमलनाथ हैं, जो 9% लोगों की पसंद हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर को 4% और दिग्विजय सिंह को 1% लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा इस ऑनलाइन सर्वे में ये भी निकल कर आया है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 60% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 40% लोगों का उत्तर ना में था। हालांकि सूबे की 78% महिलाएं चाहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कमलनाथ और सिंधिया की जोड़ी चुनाव जिता सकती है, सवाल पर 29% लोगों ने ही भरोसा जताया है। 36% लोगों का मानना है कि मुकाबला टक्कर का है और 35% का कहना है कि ये दोनों ही लोकप्रिय चेहरे नहीं है। सीएम पद के लिए शिवराज के सामने सबसे बड़ा नाम सिंधिया का ही उभर कर सामने आ रहा है। मालवा निमाड़ में 55% लोगों की पसंद शिवराज सिंह चौहान है, तो 37% की पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया। विंध्य में सिंधिया 46% की पसंद है और 37% लोग शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा 72% लोग शिवराज के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं और 24% सिंधिया के पक्ष में। मध्य भारत में 58% शिवराज के साथ हैं, तो 27% सिंधिया के। महाकौशल में 43% शिवराज को चाहते हैं, तो 31% सिंधिया को। और बुंदेलखंड में 42% ज्योतिरादित्य के पक्ष में हैं, तो 40% शिवराज सिंह चौहान के। कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर भी राय शुमारी की गई है, जिसमें 30% लोगों का कहना है कि पार्टी में आंतरिक संघर्ष है। 23% कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि आम आदमी की छवि है। 25% लोग कहते हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो 22% मानते हैं कि मोदी और शाह का आक्रामक प्रचार कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तमाम न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल्स पर नजर दौड़ाएं तो IBC 24 का 3 अप्रैल 2018 को जो ओपिनियन पोल आया था उसके मुताबिक बीजेपी को इस बार 101 सीटें मिलेंगी, 119 सीटें कांग्रेस को और 10 सीटें अदर्स को। टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल कहता है, जो 27 अप्रैल 2018 को आया था उसमें कहा गया है कि 153 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 58 सीट कांग्रेस को और 21 सीटें अदर्स को। ABP और CDS के सर्वे के मुताबिक मई 2018 में ये सर्वे आया था, उसके हिसाब से 35% वोट मिलेंगे बीजेपी को, 49% वोट मिलेंगे कांग्रेस को और 6% वोट अदर्स को मिलेंगे। और इधर नेशनल हेराल्ड के सर्वे की हम यदि बात करें तो यदि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को 147 सीटों पे विजय हासिल होगी, वहीं कांग्रेस को 73 और बसपा और अन्य को 10 सीटें मिलेंगी। और यदि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। यहाँ बीजेपी को नेशनल हेराल्ड के हिसाब से 126 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को 103 और अन्य को 1। एक अखबार का सर्वे जरूर आया, ऑनलाइन सर्वे है, जहां उन्होंने जिसके पास जिसने कोई एजेंसी पकड़ ली और कहा कि इसका जवाब दे देना, कितनों के पास इंटरनेट है, कितने ऑनलाइन में भाग लेते हैं, इसकी क्या सच्चाई है। इससे तो ABP का सर्वे जो आया था 2 महीने पहले, ABP का सर्वे में कांग्रेस 14% आगे थी। और ABP का सर्वे कोई निजी अखबार या निजी कंपनी ने नहीं किया था, CSDS ने किया था। CSDS कोई निजी संस्था नहीं है, वो संस्था सरकारी पैसे से, सरकारी ग्रांट से चलती है। और उनका सर्वे में उन्होंने 14% लीड दी। उनका सर्वे जमीन का था, ऑनलाइन सर्वे नहीं था। और आज उनका जमीनी सर्वे लें और हम आज नगरपालिका के परिणाम दें, जनपद में भी कांग्रेस की जो जनपद के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस की थोप जीत हुई है। जैसे और छिंदवाड़ा में तो तीनों बीजेपी के पास थे, 2 नगरपालिका और 1 जनपद, ये तीनों कांग्रेस केवल जीती नहीं है, भारी बहुमत से जीती है। हालांकि इस तरह के सर्वे अंतिम परिणाम नहीं कहे जा सकते, लेकिन पब्लिक का मूड चेंज करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।